नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पंजाब की नाभा जेल से फरार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया हरमिंदर सिंह गिरफ्तार। पंजाब और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दबोचा कैदियों को भगाने वाले मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह की कल हुई थी गिरफ्तारी। नोटबंदी के खिलाफ लेफ्ट के भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। इलाहाबाद में एसपी ने पीएम का पुतला फूंका तो बिहार में सीपीआई ने ट्रेन रोक कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस भी निकाल रही है आक्रोश मार्च। नोटबंदी की भेंट चढ़ सकता है संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है विपक्ष। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। दो आतंकियों के छिपे होने की है आशंका। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में साइबर हैकिंग की आशंका जताते हुए ग्रीन पार्टी ने की विस्कॉन्सिन प्रांत के मतों की दोबारा गिनती की मांग। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग को बताया घोटाला। और हांगकांग ओपन खिताब जीतने से चूकी पीवी सिंधु। चाइना की ताइजू यिंग ने 21-15 21-17 से दी मात। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।